जय हिंद, नमस्कार मेरे अच्छे, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो के। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी के मेडिकल से रिगार्डिंग कुछ 20 पॉइंट जो हमने पिछले वीडियो में भी 20 पॉइंट लिए थे, उसके बाद में और कई ज्यादा बच्चों के कमेंट है स्पेशली लड़कियों के कि सर हमारी ये समस्या और है, इसके बारे में भी आप हमको राय दे दीजिए कि अगर हमारी ये समस्या है क्या हम पास होंगे या फिर। अगर आपने जिंदगी का फुल वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, लड़कियों का भी पूरा का वीडियो संपूर्ण मेडिकल टेस्ट और लड़कों का भी पूरा का वीडियो कमांडो अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर है। इस वीडियो में पूरा का पूरा मेडिकल बताया गया है किस प्रकार से एसएससी जीडी में मेडिकल टेस्ट होता है। इस वीडियो में कई बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, जैसे एक बच्चे ने लिखा था जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद में तो हर कोई लगा बैठा, यदि कुछ अगर हासिल करना है तो जिद तो होनी चाहिए, बिना जिद के कुछ हासिल नहीं होगा, जब तक आपके अंदर जिद नहीं होगी कुछ हासिल नहीं होगा। और काफी बच्चों ने कमेंट किए, कई प्रकार की जो समस्या थी वो भी बताई। तो ये जो 20 पॉइंट है उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाथ का पंजा सीधा करने पर उंगलियों के ऊपर उठ जाती है पास या फेल पास, नॉर्मली ऐसा होता है। इस प्रकार की किसी भी समस्या के लिए कोई मेडिकल पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। पैरों के टखने के पास में फुट कॉर्नर पास रहते हैं, इस प्रकार से जैसे ये गांठ जिसको बोलते हैं ऐसी बन जाती है जूते के कारण या पानी के कारण, तो पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 साल पहले कान का ऑपरेशन हुआ था, अब कोई मिलेगा ही नहीं। मैं बोल दू 12 साल नहीं, अगर आपका 1 साल पहले भी अगर कान का ऑपरेशन हुआ है, समझ के बात हो, अगर आपका 1 साल पहले कान का ऑपरेशन हुआ है तो भी आप पास हो, अगर आपका कान इस समय सही वर्क कर रहा है यानी ठीक है, ठीक है। हाथ पैर पर शरीर में कट का निशान कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इस प्रकार के निशान है कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है। दोनों आंखों में लेंस लगे हुए हैं पास या फेल, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है, अगर इस समय आपकी आई 6x6 है दोनों की दोनों आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 6x6 नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। लेंस का डिपेंड करता है कि आपके किस प्रकार से लेंस, जैसे अगर लेजर ऑपरेशन से जो लेंस डलते हैं या लेजर ऑपरेशन जो होता है वो तो पिछली बार मेडिकल पास थी, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ पॉइंट मिल भी जाए और पास भी मिले। स्किन में फंगस, ये कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, फिर भी आप इसकी दवाई ले लीजिए और इसको ठीक करा लीजिए, कुछ भी क्रीम व्रीम लगा लीजिए, स्पेशली जब आपका मेडिकल हो तब इसका इलाज करते जाइए। कैल्शियम की कमी से पूरे दांत लाल है, दांत लाल या पीला, दांतों का कोई सा भी कलर हो उसमें कोई भी फेल नहीं जाना है। अगर दांत का कलर आपका चाहे लाल हो चाहे पीला पड़ जाता है कई बार पानी के कारण, तो वो कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 28 दांत कम से कम आपके होने चाहिए। पैर की उंगली उठी हुई है, अगर आपकी पैर की उंगली इस प्रकार से जैसे ये टूटी हुई है या छोटी है बड़ी, तो मेडिकल पॉइंट है, ठीक है, पैर की उंगली सही चाहिए भाई। पायस था पर अब ठीक है, थोड़ा पॉइंट मिलेगा क्या नहीं, अगर पहले पायस था फिर बाद में अगर आपने उसको ठीक करा लिया इलाज करा लिया तो कोई मेडिकल पॉइंट नहीं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं कराया तो अभी भी करा लो, अभी भी वक्त। हाथ पैर की हड्डी क्रेक है, पॉइंट मिलेगा क्या, अगर मेडिकल के दौरान अगर आपकी हड्डी क्रेक भी तो 100% पॉइंट मिलेगा, अगर वो ठीक करा लिया आपने उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नहीं मिलेगा, एक्सरे में नहीं आनी चाहिए। आंखों में चश्मा लगाना पड़ता है पास या फेल, फेल। अगर आपकी आई 6x6 नहीं है तो 100% फेल, अगर आपकी आई बिना चश्मे के 6x6 है दोनों के दोनों आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीभ का रंग काला है, पॉइंट मिलेगा या नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, जीभ के रंग के कारण कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता है। एक कान में सुनाई नहीं देता, फेल, आपको कान का इलाज करा लेना चाहिए, ऑपरेशन करा लेना चाहिए, अगर एक कान में सुनाई नहीं देता तो फेल हो गई। आंखों में तिल्ली हो गई है पास या फेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, तिल्ली हो गई तो ऐसे जीडी में 6x6 अगर आई जाए पास। अपेंडिक्स का ऑपरेशन मार्क है, अब भी पास हो गया फेल पास, अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन मार्क है और आपका ऑपरेशन वो सक्सेसफुल रहा है और आप 5 किलोमीटर की रनिंग अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास हो। पेट की पथरी है, छोटे आकार की पॉइंट नहीं मिलेगा, पथरी का कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, वो ठीक हो जाती है क्योंकि कोई इसका ही प्रॉब्लम नहीं है। विटिलिगो की समस्या है, शरीर में पास होंगे या फिर, अगर इतनी ज्यादा समस्या है तो आपको मेडिकल पॉइंट जो पता मिलेगा, अब वो तो आपका मेडिकल पे डिपेंड करेगा कि भाई आप पास करें या फेल, बट एक बार मेडिकल पॉइंट आपको जरूर मिलेगा। व्हाइट स्टैच की समस्या है, स्पेशली लड़के में कई बार होता है पास या फेल नहीं, इसके कारण आपके खून में आयरन की कमी हो जाती है, जाने से बेटा आयरन की कमी हो जाती है, वो मेडिकल पॉइंट मिल सकता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है। हीमोग्लोबिन का मेडिकल कई बार लड़कियों को मिलता है क्योंकि जिनके व्हाइट स्टार ज्यादा होता है तो उनके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, उनको आयरन की पूर्ति करनी चाहिए, आयरन के लिए टेबलेट ले सकते हो, पालक खा सकते हो, उसका ध्यान रखिए। चेस्ट में फाइबरनोमा गांठ है, इस प्रकार के चेस्ट में गांठ है
तो ये तो मेडिकल पॉइंट है अगर आपके निपल्स में है तो। साइक्लिकल की समस्या है, पॉइंट मिलेगा या नहीं, मिल भी सकता है और नहीं भी। आंखें भी पिगमेल पुपुला की समस्या पास या फेल, मैंने बताया जैसा कि इससे को आपको फेल नहीं करेगा अगर आपकी आई 6/6 है, ठीक है। ये आप ही समस्या है, अगर आपके इससे संबंधित और भी कोई पॉइंट हो जिस पे आप मेरी राय चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अच्छी जानकारी, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ में शेयर करिए भाई। जय हिंद, जय भारत।